नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज की फिल्मी दुनिया में। एक्टर, कॉमेडियन और डायरेक्टर रहे भगवान दादा भारतीय सिनेमा के सबसे रईस सितारे माने गए। लोगों के बीच न सिर्फ उनकी शानो शौकत के चर्चे थे, बल्कि उनकी अलहदा एक्टिंग भी खूब पसंद की जाती थी। भगवान दादा 25 कमरों के बंगले में रहते थे और उनके पास इतनी कारें थीं कि हर रोज सेट पर वो नई कार से जाते थे। जब तक भगवान दादा का सितारा बुलंद रहा, तब तक हर कोई उन्हें सलाम करता रहा और साथ खड़ा रहा। पर जब बुरा वक्त शुरू हुआ तो शुभचिंतक क्या, यार दोस्त भी फुर हो गए। अपने बुरे दौर, माली हालत और दोस्तों के बदले रवैये पर भगवान दादा का एक इंटरव्यू में दर्द छलका था, जो उनका आखिरी इंटरव्यू साबित हुआ। भगवान दादा की 1 अगस्त को 111वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। उसी इंटरव्यू से भगवान दादा की बताई कुछ बातें बता रहे हैं। यह इंटरव्यू उन्होंने साल 2001 में फिल्म फेयर को दिया था और 4 फरवरी 2002 को 88 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। भगवान दादा की हालत ऐसी हो गई थी कि वो एक कोने से दूसरे कोने में भी जाते तो भूल जाते थे कि किस काम से वो गए थे। भगवान दादा की जब मौत हुई तब उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन बढ़ती उम्र का असर साफ दिखने लगा था। भगवान दादा ने अपनी हालत बताते हुए कहा था, अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, कमरे के एक कोने से दूसरे कोने जाता हूँ तो भूल जाता हूँ किस लिए गया था। अब तो चलती का नाम गाड़ी जैसी हालत है। भगवान दादा तब दादर स्थित अपने घर में अपनी एक बिन ब्याही बेटी के साथ रह रहे थे। साथ में छोटे बेटे सचिन का भी परिवार रहता था। सचिन एड फिल्मों में असिस्टेंट कैमरामैन थे, पर पिता भगवान दादा की देखभाल के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। भगवान दादा ने साइलेंट फिल्मों के दौर से काम करना शुरू किया। अपने कैरियर में उन्होंने करीब 600 फिल्में की, करीब 27 फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया। लोग भगवान दादा को आज भी फिल्म अलबेला के लिए याद करते हैं, जिसमें उन पर फिल्माया गया भोली सूरत दिल के खोटे खूब हिट रहा था। उनका डांसिंग स्टाइल भी खूब पसंद किया जाता था। भगवान दादा के डांस में थोड़ा भांगड़ा मिक्स होता था। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन और गोविंदा तक भी भगवान दादा के डांसिंग स्टाइल को कॉपी करते थे। भगवान दादा के पिता कपड़ों की मिल में काम करते थे। पिता की देखा देखी वो भी कपड़ों की मिल में काम करने लगे। यह तब की बात है जब उन्होंने फिल्मों में कदम नहीं रखा था। इसके बाद वो मुंबई आ गए। भगवान दादा भले ही मिल में नौकरी करते थे, पर उन्हें फिल्मों में काम करने का बहुत चस्का था। इसी वजह से उन्होंने चौथी क्लास के बाद पढ़ाई ही छोड़ दी। वो स्कूल छोड़कर पिक्चर देखने भाग जाते और पिता से मार खाते। भगवान दादा ने 1930 में अपना एक्टिंग कैरियर शुरू किया। उनकी जोड़ी एक्ट्रेस फियरलेस नाडिया के साथ बनी। फिर भगवान दादा ने अलबेला फिल्म बनाई, जिसने उनके कैरियर का रुख ही बदल दिया। यह फिल्म थिएटर्स में 50 हफ्तों तक चली। इसके बाद तो भगवान दादा के पास फिल्मों के साथ साथ दौलत की भी बाढ़ आ गई। उनकी अमीरी और शानो शौकत हर कोई देखता रह गया। लेकिन वक्त का पहिया पलटा तो दौलत शोहरत सब हाथ से चली गई। बंगला बिक गया, सभी कारें बिक गईं। उनकी हालत देख उन लोगों ने भी कन्नी काट ली जिन्होंने उनसे पैसे उधार लिए थे। यहाँ तक कि दोस्त भी बदल गए, वो भगवान दादा की तरफ देखते भी नहीं थे। दोस्तों के ऐसे बदले बर्ताव और दगाबाजी से भगवान दादा को गहरी चोट पहुँची थी, लेकिन उन्होंने इसे अपनी फूटी किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया और कहा था, छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए सबको, मैं शोबिज की चकाचौंध भरे जंगल में खो गया था। हालांकि मेरी आर्थिक स्थिति इतनी खराब नहीं हुई थी कि परिवार की मूल जरूरतें भी पूरी ना हो।
भगवान दादा की आर्थिक मदद करने के लिए जहां सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन उन्हें हर महीने 3,000 रुपये भेजता था, वहीं इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन हर महीने 5,000 रुपये भेजता था। एक वक्त था जब फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सितारे भगवान दादा के दोस्त थे, पर मुश्किल वक्त में उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। सिर्फ दिलीप कुमार, जॉनी लीवर, सत्येन कप्पू, राम मोहन, रजा मुराद और सुनील दत्त उनके संपर्क में रहे और हालचाल लेते रहे। भगवान दादा ऐसे थे कि जब 1947 में भारत पाकिस्तान के विभाजन के दौरान देश भर में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के तो उन्होंने अपने घर में मुस्लिम कलाकारों को पनाह दी थी। उन्होंने उनके खाने पीने तक की जिम्मेदारी संभाली थी, लेकिन खुद की हालत खराब हुई तो उन्हें आखिरी दिन चौल में बिताने पड़े। इसी दुख में उन्होंने खुद को शराब में डुबो लिया। 4 फरवरी 2002 को उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया। दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।